वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल आपका स्वागत करता है हेलो स्टूडेंट्स आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड बिलासपुर छत्तीसगढ़ सो स्टूडेंट्स वी आर बैक टू आवर इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास होप यू ऑल आर वेल एट होम फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग रूल एंड मेनटेनिंग द हाइजीन एंड ट्राई टू डू एक्सरसाइज एवरी डे एंड ईट एवरी डे सम्रिक फूड्स ओके सिट्रिक फ्रूट Uh, which fruit or food have contain vitamin c try to eat those uh, because uh, you have to improve your uh, it's strong we you have to make a stronger immune system because in this pandemic time um, we can survive only where if we are if we are having strong immune system okay so students in my earlier video we were discussing about our chapter 10 the food we eat so have already i have given the introduction food from plants we have discussed food grain we have discussed the pulses all seeds vegetable fruits spices beverage we have already discussed whatever points are left we will discuss today so let's start okay so our next point is the journey of food let's see journey of food farmers grow food crops for us they grow different crops डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में ओके द फार्मर्स फर्स्ट प्रपेयर्स द फील्ड मतलब सबसे पहले क्या करते हैं फार्मर्स जो है वो फील्ड को प्रिपेयर करते हैं लाइक यू कैन सी हेर कि वो पहले फ्लॉगिंग uh,

पहले वो फील्ड को रेडी करते हैं प्लॉइंग करते हैं फिर उसके बाद वहाँ पे वो मेन्यूर या फर्टिलाइजर्स ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं जो खाद और फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक रख होते हैं ना फर्टिलाइजर और मेन्यूर जो कि प्लांट्स के ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है और इससे सॉइल भी बहुत आ, आ, बहुत अच्छी हो जाती है उसमें फर्टाइल um, हो जाती है सॉयलों के uh, जैसे उपज अच्छी होती है उस फसल अच्छी मिलती है देन ही साउथ द सीड्स और उसके बाद उसमें जब फील्ड रेडी हो जाता है तो फिर उसमें सीड्स लगाए जाते हैं सौथ बोए जाते हैं सीड्स को ओके आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड्स जर्मिनेट उसके बाद कुछ दिन बाद जो है सीड्स uh, जर्मिनेट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सोइंग चल रहा है सीड्स का फिर उसके बाद वो जर्मिनेट करते हैं उनका अंकुरण होता है उससे फिर एक स्मॉल प्लांट अपीयर होता है लूकिन सी हीयर कि स्मॉल प्लांट अपीयर हुआ है यहाँ पर ओके द फार्मर्स वाटर द क्रॉप्स रेगुलरली ही स्प्रेस इंसेक्टीसाइड एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप द्रॉप सेफ एंड इंसेक्ट एंड पेस्ट द फार्मर्स हैं जो वाटर करते हैं आप रेगुलरली यहाँ पर देख रहे हैं ये कैन इरीगेशन के लिए वो कुएँ से कभी ट्यूबवेल से ओके okay. और डिपिंग इरिगेशन के तरीके से इरिगेशन उनमें पानी डाला जाता है और साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं यहाँ पे स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स है इंसेक्टीसाइड्स होते हैं जिसमें भी साइड्स ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स है ये जो कि जो कीड़े होते हैं ना जो कीड़े कीड़े जो कि की प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं जो उनकी फसल को उपज को ख़राब कर देते हैं तो जैसे कि उपज खराब ना हो जो क्रॉप्स है वो ख़राब ना हो उसके लिए वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इसमें स्प्रे करते हैं ताकि उनकी जो फसल है वो सारे कीड़े मर जाए उनसे कीड़े आए ना उनकी उनके उस क्रॉप्स में उस प्लांट्स में ताकि खेती अच्छे से हो फार्मिंग के जो येल्थ है वो फसल है अच्छी मिले ओके द क्रॉप्स ग्रो द करॉप्स ग्रो इन अबाउट सिक्स मंथ्स जो क्रॉप्स है वो किस uh, जो जितनी जो क्रॉप्स अनाज है पौधे हैं वो किस में ग्रो होते हैं सिक्स मंथ्स में है ना इन अबाउट सिक्स मंथ्स में वो क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं जो अनाज फसल होती है दे दे आर देन रेडी टू बी कटिंग कट ओके और उसके बाद वो रेडी हो जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये सिक्स मंथ्स होने के बाद ये ऐसे दिखते हैं और उसके बाद ये रेडी हो जाते हैं कटिंग के लिए कट uh, के लिए दा तो द कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग मतलब ये जो हार्वेस्टिंग है फिर से इस जब वो फुली ग्रोन हो जाते हैं क्रॉप्स उसके बाद उन्हें कटिंग करना कटिंग को प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं ओके आफ्टर द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड ग्रेन आर सेपरेटेड फ्राम द प्लांट्स दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग देन द हर्स्ट रिमूव दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिनोइंग ओके तो जब अभी ऑब्वियसली देखा हार्वेस्टिंग हो गया अब हार्वेस्टिंग होने के बाद देख रहे हैं कि इसमें ग्रेन्स मतलब जो दाने हैं वो पूरे में प्लांट में तो है नहीं तो अब इसको पूरा प्लांट तो आप ईट नहीं कर सकते उसके लिए भी क्या किया जाता है सेपरेट किया जाता है तो जिससे सेपरेट किया जाता है वो प्रोसेस कर का भी प्रांस दिखा होगा तो एक उसके ऊपर एक शेल कवर जैसा होता तो है उसके अंदर वो होते हैं ना तो उस छिलके को मतलब वो हस्क बोलते हैं उनका हल्का ये भूसा जो बोलते हैं उनको रिमूव करना उसको रिमूव कर, दैट इज़ कॉल विनोइंग ओके सो so, ये इसके क्रॉप्स uh, को उसके प्लांट से अलग करना ग्रेन्स को देर इज कॉल थ्रेशिंग और उसके बाद उसके हस्क से उसके बोसी छिलके से उसको रिमूव करना ग्रेन्स को वो कहलाता है आपका विनोइंग द ग्रेन्स आर देन पैक्ड एंड रेडी टू द सप्लाई टू द मार्केट स्मॉल मार्केट्स टेक द क्रॉप्स टू द स्मॉल फार्मर्स टेक द क्रॉप्स टू दस्ट ऑन द पेज पहले इसको देख लेते हैं द ग्रेन आर टेकन अनाओ अब क्या है जब विनोइंग हो गई है थ्रशिंग हो गई है तो उसके बाद अभी ये ग्रेन पूरा साफ हो गया तो अब ये रेडी है पैकिंग के लिए और सप्लाई करने के लिए मार्केट में तो स्मॉल फार्मर्स टेक द क्रॉप्स टू द होल सेल मार्केट जो स्मॉल फार्मर्स से किया करते हैं जब ग्रेन uh, पूरा रेडी हो जाता है विनोइंग के बाद तो वो होल सेल मार्केट में लेके जाते हैं इन ट्रैक्टर्स और बुल कार्ड्स बिग फार्मर्स सेंड देम बाई ट्रक्स एंड ट्रेन्स, okay, ओके जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो मार्केट में लेके जाते हैं किसी ट्रैक्टर से और ब्लॉक कार्ट से लेके जाते हैं बैलगाड़ी से और बिग फार्मर्स जो है सेंड करते हैं बाई एंड ट्रेन से सेंड करते हैं ओके द ग्रेन मैनी ऑल्सो बी टेक डायरेक्टली टू द फैक्ट्रीज और कई बार यहाँ पे देख रहे हैं ये होल सेल मार्केट होता है यहाँ पर सारे फार्मर्स बिग और स्मॉल लेके आते हैं फिर यहाँ से सप्लाई होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में है ना तो शॉपकीपर्स के पास यहाँ से इस, एम, इसको मंडी भी बोला जाता है है ना होल सेल मार्केट यहाँ पे दिख रहे हैं द ग्रेन में ऑल्सो टेकन डायरेक्टली टू द फैक्ट्रीज और कई बार ग्रेन्स जो है डायरेक्टली फैक्ट्रीज तक चले जाते हैं हे द ग्रेन्स आर द ग्रेन्स आर क्लीन एंड पैकेट द पैकेट्स आर आर लेबल्ड दैन उन्हें पैक किया जाता है लेबल किया जाता है उन्हें एक नाम दिया जाता है फिर उन्हें सो होल मार्केट में सेल किया जाता है भेजा जाता है okay? ओके होल सेल मार्केट लेट्स इज द होल सेल मार्केट अभी एक होल सेल मार्केट इस कॉल मंडी ये है ना होल सेल मार्केट जहाँ पे ज़्यादा क्वान्टी में सारी चीज़ें सेल की जाती है कोई एक किलो या दो किलो ऐसे के चीज़ नहीं लेते हैं बिग बिग क्वान्टिटीज़ में ओके दर फूड ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ब्रॉड फ्राम डिफरेंट विजेस है ना यहाँ पर क्या होता है सुपर मार्के होल सेल मार्केट में मंडीज में कि सब जगह से डिफरेंट डिफरेंट विलेज से फ्रूट ग्रेनस वेजिटेबल्स लेके आ जाते हैं और हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्क टू लोड एंड और यहाँ पर बहुत सारे लोग हंड्रेड ऑफ पीपल लोड और अनलोड मतलब ट्रकों से सामने है या याक कार से सामान ले कर आना कहीं पर अपलोड uh, करना अनलोड करना और लोड करना ओके लोड एंड अनलोड चलता रहता है और शॉप कीकर्स बाय फूड ग्रेन्स और जो शॉपकीपर्स है, है। हैं वो फूड ग्रेन्स को खरीदते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्राम दीज मंडी सॉरी फ्रूड वेजिटेबल सारी चीज़ें यहाँ से खरीदते इन मंडी से एंड देन सेल देम फ्राम देयर शॉप और पुष्पाट ओके okay? तो और फिर उसके बाद जो शॉपकीपर्स हैं फिर अपनी शॉप में सेल करते हैं कई बार वो पुश काट होते हैं ना ठेले में ले जाकर सेल करते हैं इस तरीके से फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ग्रीन होल सेल मार्केट से फिर शॉप के पास खरीदते हैं फिर उन्हें सेल किया जाता है फिर उनसे बायर्स जो जो जैसे हम जैसे लोग फिर वहाँ से खरीदते हैं ओके यू कैन सी हेयर दिस थिंग यू कैन सी द जर्नी ऑफ फूड ग्रेन फ्राम द फील्ड टू आर होम्स इन गिवन बिलो इन अ जम्बल ऑर्डर नंबर द स्टेप्स करेक्टली uh, ओके okay, तो ये स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरीके से एक जर्नी है फूड की तो हम देखेंगे फर्स्ट है आपको यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन्स आर टेकन टू द होल सेल मार्केट नहीं ये पहले तो नहीं होता है द ग्रीन्स आर विनोइड नो द फील्ड इज प्लाउड ओके पहले ये प्लाउड होता है ना प्लाउड होता है पहले तो फील्ड प्लाउड होता है उसके बाद द सीड्स ग्रीन आर टेकन टू द नो फिर उसके बाद क्या होती है हाँ फिर उसके बाद ग्रेन आर टेकन टू द होल सेल मार्केट निनोड सो द ग्रेनर विनोड होता है यहाँ पे थ्रेस्ड होता है पहले तो वो थ्रेस्ड करेंगे फिर थ्रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे ग्रेनसर विनोड ओके विनोड होता है फिर उसके बाद ये होल सेल मार्केट में जाएगा फिर उसके बाद ये होगा कि शॉपकीपर्स बाय ग्रेन फ्रॉम द होल मार्केट दैन पीपल बाय फूड फॉर Uh, grocery shops. so first up uh, kauja field, uh, the field is plowed, then the seeds uh, are sown, then the crop is harvested, then the grains are threshed, then grains are winnowed, uh, then the grains are taken to the wholesale market, then shopkeepers buy grains from the uh, wholesale market, that the people buy uh, food grain from grocery shops, journey jenny hoya food ka, okay? सो स्टूडेंट्स लेट्स सो स्टूडेंट लेट सी द न्यू वर्ड्स द वो एरिया जहाँ पे कि बहुत कम रेनफॉल होता है तो मेले वहाँ पे मस्टली जौर बा कम रेनफॉल में भी हो जाते हैं इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स केमिकल यूज ऑन प्लांट्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्राम इंसेक्ट्स ओके जो केमिकल यूज होते हैं प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फ्राम uh, इंसेक्ट्स से उन्हें इंसेक्ट्स uh, से पेस्टिसाइड्स कहते हैं ऑल इंसेक्ट्स पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं पेस्टिसाइड्स मोस्टली हार्मफुल ही होते हैं प्लांट्स के लिए पहुंचाते हैं ओके okay? हस्क ब्राउन आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन जो ब्राउन आउटर मतलब जो ग्रेन है उसके ऊपर जो ब्राउन आउटर का भी अपने धान देखा हो धान को देखा ही होगा ज़रूरी है ना तो धान के ऊपर छिलका होता है फिर उसको वहाँ से रिमूव करते हैं तो फिर भी हमें चावल राइस मिलता है इस तरीके से ये हस्क होता है जो भूसे हम बोलते हैं ना हस्क गेहूँ के ऊपर भी होता है इसलिए हर ग्रेन के ऊपर होता है सो तो उसे उसे जो निकालते हैं तो उसको विनोइंग बोलते हैं ओके जब उन्हें हस्क से रिमूव किया जाता है now we know let's see what we know now For food gives us energy to different things you know तो ऑब्वियसली फूड हमें एनर्जी देता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने के लिए प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड ग्रेन्स प्रोवाइड अस विद फूड ग्रेन्स पल्सेस ऑयल सीड्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स स्पाइसेस एंड वेजिटेबल वेवरेज ओके तो ऑब्वियसली फूड्स प्लांट्स से हमें ग्रेन्स पल्सेस ऑयल सीड्स वेजिटेबल फ्रूट्स और वेवरेज पे पदार्थ जो होते हैं उसको बेवरेज बेवरेज बोलते हैं मिलती है सारी चीज़ें आफ्टर द क्रॉप्स आर रेडी इन द फील्ड दे आर हार्वेस्टेड थ्रस्ट विनोड पैक्ड एंड सेंड टू द होल सेल मार्केट ऑफ जब क्रॉप uh, रेडी हो जाते हैं फील्ड में पूरे ग्रोन हो जाते हैं फुल फिर उसे हार्वेस्टेड किया जाता है कटाई की जाती है जस्ट मतलब उसे uh, अलग किया जाता है उस, uh, उसके क्रॉप्स के प्लांट से फिर विनोड मतलब उसके जो भूस हस्क से अलग किया जाता है फिर रेडी हो जाते हैं के ओके okay, फिर उसे सेंड किया जाता है होल मार्केट में ओके द शॉपर्स बाय गुड्स फ्रॉ गुड्स फ्राम द होल सेल मार्केट एंड सेल दैम टू दीपल और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो गुड्स मतलब चीज़ें खरीदते हैं लाइक फूड ग्रेन हो गया फ्रूट्स है फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑल दैट होल सेल मार्केट से और फिर उसे सेल करते हैं लोगों को ओके सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड टूडेज फूड भी जिसमें हम देखा कि फूड फ्राम प्लान्ट मोस्टली हमारा बिगेस्ट सोर्स है हमें फ़ूड मिलता है ओके फूड ग्रेन हमने देखा पल्सेस देखी और ऑयल uh, सीड्स देखा हमने वेजिटेबल फ्रूट्स ये सारी चीज़ें हमने देखा स्पाइसेस बेवरेज है ना आफ्टर दैट हमने पूरा जर्नी देखा फूड का कैसे फील्ड से सोइंग uh, uh, के बाद फिर इरीगेशन होता है पे, uh, uh, पेस्टिसाइड ये सब uh, स्प्रिंकल किया जाता है फिर हार्वेस्टिंग होती है फिर ट्रेशिंग फिर विनोइंग फिर रेडी होता है पैक करके होल सेल मार्केट में सेल करने के लिए सो स्टूडेंट्स रीड बुक आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़ टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो बाय बाय थैंक यू